आपने हमें जहाँ से पिक किया था ना वहीं पे ड्रॉप कर दे वापस। लगता है घर की कंस्ट्रक्शन आपने खुद नहीं करवाई, बहुत सस्ता सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। और ये दरवाजे देखें, दीमक लग रही है और फर्श भी जगह जगह से टूटा हुआ है। घर तो बिक जाएगा मगर यही कोई 80 से 90 के दरमियान। नहीं नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं, आपसे तो 1 करोड़ तक की बात हुई थी। उस वक्त तक घर नहीं देखा था ना। बहरहाल आप फिक्र ना करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा रेट लग जाए। देखें आपके पास कोई बायर है या ऐसे ही आप खामियां निकाल रहे हैं? देखें अगर है फिर तो ठीक है, वरना मैं किसी और प्रॉपर्टी एजेंट को देख लेता हूं। अरे नहीं वसीम भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, बायर हैं मेरे पास 4-5, पर मसला ये हर कोई मॉडर्न घर खरीदना चाहता है। पुराना घर खरीदने में 100 किस्म के खर्चे होते हैं, इंटीरियर पर खर्चा, कलर पे खर्चा, फिर अपनी मर्जी से कोई चेंजिंग करानी हो तो उस पर खर्चा, और फिर बाहर काम करवाना हो तो सरकारी दफ्तर के हजारों चक्कर काटने पड़ते हैं। कौन हाथ डालेगा ऐसे घर में? किसी को जरूरत भी नहीं है हाथ डालने की, हमें यह घर नहीं बेचना, आप जाएं यहाँ से। आपकी लगता है आपकी बेटी काफी नाराज है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं कोशिश करूंगा कि 1 करोड़ तक बात बन जाए। आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ, कहा ना नहीं बेचना, जाए यहाँ से आप। कोमल ईशन, तुम लोग जाओ अंदर। ईशन तुम चलो मेरे साथ अंदर। अम्मी आप बीच पे मत आए, और बाबा यह घर नहीं बिकेगा किसी भी कीमत पर नहीं। सिंह भाई किसी को घर में बुलाकर इस तरह बेइज्जत करते हैं? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, आप जाए यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है। जब घर बेचना ही नहीं था तो मेरा वक्त किस लिए जाया किया? दोनों को क्या लगा क्या आप दोनों चुपचाप ये घर बेच देंगे और मैं देखती रहूंगी? अगर मेरी शादी इस घर को बेच के हो रही है तो मुझे शादी नहीं करनी, आप लोग मना कर दे उन्हें। मैं आप दोनों की खुशियां बेचकर अपनी खुशियां नहीं खरीदना चाहती। बेटा मसला सिर्फ शादी का नहीं है। तो बाबा क्या मसला है, आप दोनों क्यों बेच रहे हैं इस घर को? बेटा मैं कर्ज तले दब गया हूं। या मेरे अल्लाह, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजारी है। अब हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो ये परेशानियां क्यों? अगर ये कोई इम्तिहान है तो हमें सब्र और हिम्मत दे कि हम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। अगर ये कोई सजा है तो या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हमें माफ कर दे या अल्लाह, हमारी हमारी मुश्किलें आसान कर दे मेरे अल्लाह, परवरदिगार हमारी मुश्किलें आसान कर दे। In light of the new project, the proposal is unacceptable. Yes? Come in.
सर आई एम रियली सॉरी, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। मेरी कोशिश होगी सर कि चंद ही दिनों में इंतजाम हो पाए। सर सर वो मैं अपना घर बेच रहा हूँ सर, बेटी की शादी है सर, अगर थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए तो मैं एक साथ ही सारे पैसे लौटा दूंगा सर। वसीम साहब बैठे। Are you relaxed now? जी सर। आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलाया, कोई जरूरी काम होगा या जरूरी बात होगी तभी तो बुलाया। कंपनी ने आपका केस रिव्यू किया, हमने फैसला किया कि आपको माफ कर दिया जाए। जी सर। जाइए, जाकर अपना काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। थैंक यू मुझे ना कहें, थैंक यू कुर्बान भाई और लाशारी साहब जिन्होंने आपकी सिफारिश की थी। थैंक यू कुर्बान भाई। वसीम साहब। जी सर। आइंदा कभी किसी अहम दिन आपको छुट्टी करनी पड़े तो प्लीज मेक श्योर कि मुझ तक इत्तला पहुंचे। नहीं सर, आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। थैंक यू सर। क्या हो गया अम्मी? घर बिकने देती ना अम्मी, क्या इस घर के बिक जाने से हमारी परेशानियां दूर हो सकती थी? नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा को अब कितनी टेंशन होगी। तुम्हें पता भी है कि उनकी तबीयत फौरन बिगड़ जाती है। हेलो, क्या सच? या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ उसे, अभी बताती हूँ। ठीक है ईशर। क्या हुआ अम्मी? ईशर, ऑफिस वालों ने तुम्हारे पापा को माफ कर दिया। अब हमें ये घर नहीं भेजना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस, अब आपने रोना नहीं है। नहीं, अब मैं रो थोड़ी रही हूँ, बहुत खुश हूँ। डाल दिया। वैसे बाबा, आपसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो उन्होंने इतना बड़ा कर्ज आपके सर पे डाल दिया? ईशर बेटा, छोड़ो ना, क्या करोगी जानकर? नहीं नहीं, मुझे बताने में कोई अर्ज नहीं है, क्या तुम सुन पाओगी? क्या मतलब है आपका? वसीम, वैसे ये तुम्हारी पुरानी आदत है भाई, बात को घुमा फिरा के करना। बेटी को क्यों नहीं सच बताते कि क्या बात है? छुट्टी। क्या छुट्टी?
भाई छुट्टी करने की गलती हुई थी मुझसे। तो आपकी छुट्टी से कंपनी को बहुत नुकसान हो गया क्या? ऋषि वसीम आपस की बात है, मुझे तो लगता है तेरा ये जो बॉस है ना ये गिद्धू बंदर से भागा हुआ। अम्मी ये गिद्धू बंदर क्या है? अरे बेटा पागल खाने का नाम है। फिर तो दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका बॉस वाकई किसी पागल खाने से भागा हुआ है क्या? कोमल कोमल बिल्कुल ठीक कह रही है, आपके बॉस ने एक छुट्टी को इतना बड़ा इशू बना लिया। बात दरअसल ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? असल में हमारे बॉस हैं ही ऐसे। ऐसे कैसे? आप क्या कह रहे हैं, साइको है वो? अगर ये बात है ना तो आपको फौरन ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। इंसल्ट है ये एक। नहीं बेटा इतनी सैलरी मुझे कौन देगा? अब बात हमेशा सैलरी की नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज है। अरे बेटा खामोशी से जॉब चल रही है, चलने दो। तो अब तो वैसे भी मुश्किल आसान हो गई है। क्या किया सर? मार दिया। क्यों? बात नहीं मान रहा था। मैंने इसे कहा सामने वाले फ्रेडी को मार किया है, माना ही नहीं। तरस आ गया होगा इसे, जैसे मुझे वसीम साहब प्यार। सजा तो बनती थी इसकी भी और मेरी भी। इसको मार के मैंने इसे सजा दी तरस खाने की। यकीन जाने इसे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं होगी जितनी मुझे इसकी जान प्यारी थी। इसको मार के मैंने अपने आप को सजा दी। आइंदा ये कोई नहीं कह सकेगा कि सहर जमान से डीकी किसी पर तरस खा गया। शमसा आए? चल रहा हूं भाई। आइए नीचे। थैंक यू। अच्छा सुनिए, देखिएगा अगर आपके बॉस का मूड अच्छा है ना तो उनसे लोन की बात कीजिएगा। लोन मुश्किल है। हाँ ये तो है, लेकिन अल्लाह ने इतनी मुसीबतें डाल दी हैं, हो सकता है यही हमारे नसीब में लिखा हो। मुझे नहीं लगता कि सहर मानेंगे। आप कुर्बान भाई से बात करके देखिएगा, लाशारी भाई से। आखिर उन दोनों की वजह से ही तो आपका लोन माफ हुआ है, हो सकता है वही हमारा वसीला बने। अच्छा लाशारी से बात करके देखता हूँ, बाकी अल्लाह को मंजूर। बाय। गुड मॉर्निंग। होने वाले हैं अभी? होने वाले हैं अभी?
मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे अपना हबीब बनाना ही नहीं चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मूड ना होता तो इस तरह शादी की तैयारियां कर रही होती मैं। हो सकता है तुम्हें कोई और पसंद आ गया। देखो सर में तुम पिटोगे मुझसे। तुम हंस रहे हो। हाँ तो और क्या, ना कॉल ना मैसेज, फिर भी उल्टा मुझ पर ही नाराज हो रही है। सॉरी नहीं बोलना आता तुम्हें? देखो सॉरी तो मैं बोलने वाली नहीं हूँ, और अगर मैंने कॉल नहीं किया मैसेज नहीं किया तो इसका मतलब ये था ना कि मैं बिजी हूँ, समझ आते? हाँ नो, इसीलिए मैंने खुद ही कॉल की। तुम ठीक हो ना? आपके होते हुए मुझे क्या हो सकता। रियली मिसिंग यू लॉट। मी टू। झूठ मत बोलो। अरे और क्या, अगर मिस कर रही होती तो मुझे कॉल ना कर लेती। बताया ना बिजी थी। क्या शादी के बाद भी यही बहाने करोगी? बहाना नहीं, सच है, शादी के बाद भी मैं सारा दिन बिजी रहा करूंगी। देखो तुम्हारे इतने काम करने होंगे, तुम्हारे लिए खाना बनाना होगा, कपड़े धोने होंगे, इस्त्री करने होंगे, तुम्हारे लिए तैयार होना होगा और फिर तुम्हारा इंतजार भी तो करना होगा। हाय इंतजार, ये इंतजार भी कितनी संगदिल चीज है ना। हाँ लेकिन इस इंतजार का भी अपना ही मजा है। अच्छा सुनो प्लीज मिलो ना, अगर कुछ और दिन तुमसे दूर रहा तो पागल हो जाऊंगा। सिर्फ वो तो तुम ऑलरेडी हो। क्या क्या कहा तुमने? मेरी मोहब्बत में दीवाने। हाँ ये तो। लाशारी साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना परेशान था। घर भेजने की नौबत आ गई थी। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। बस आप आइंदा ख्याल रखिएगा, आप तो जानते हैं बॉस से बात करना कितना मुश्किल है। जी जी बिल्कुल, आइंदा बहुत एहतियात करूंगा। लाशारी साहब एक फेवर चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ जरूर फरमाइए। कुर्बान भाई से आपकी अच्छी सलाम दुआ है, उनसे मेरे लोन का तो कह दीजिए, शायद बात बन जाए। अभी इतना बड़ा इश्यू हुआ है और अब लोन की बात। लाशारी साहब प्लीज एक बार कोशिश तो करके देख लीजिए, शायद साहिर सर मान जाए। सर ऐसा क्या कह दिया है? मैंने तो सिर्फ आपसे लोन का ही पूछा है ना। तो मत पूछो, लोन ना हो गया जीने का सहारा हो गया, कि लोन नहीं मिलेगा तो ईशल की शादी नहीं होगी। आज का झगड़ा तो मेरी वजह से हुआ ना। देखो बात तुम्हारी नहीं हो रही, बात उन दोनों की हो रही है। जितनी जोर से वो चिल्ला चिल्ला के झगड़े है ना, उससे कहीं ज्यादा वो आपस में मोहब्बत करते हैं।